नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे फुलबा विपत उर्फ अमरजीत का जन्म। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 18 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 19। बाबा, अरे तुम कहाँ हो? मैं अभी कदम पर चढ़ के मैं कदम गा रहा हूँ बाबा। वहां से बोलता है कि बाबा मैं चदम पर के चढ़ के कदम खा रहा हूँ। अरे गिरेगा तो गोड़ हाथ टूट जाएगा, बेहुदा कहीं का यहाँ आओ। बहुत मीठा लगता है बाबा। क्या बहुत मीठा है? अच्छा हाँ। आओ यहाँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रामदास तलगु तू गोड़ हाथ दबो। हेलो, हमारे बाबा कुटिया में बैठकर असराज हो रहे हैं। मैं चलकर मैं बाबा से करता हूं। कहीं का चंडाल कहीं का? तुम्हें हम चरण दबा रहे क्रिया कहते, तुम कहां दबाते हो? बहुत मास बेहुदा कहीं का मारेंगे ना, आंखें फूट जाएगा। पीठ दबे कहे तो ये आगे से दबता। अब मैं चलकर मैं बाबा से सीख रहे मैं मुलाकात करता हूँ। कल्याण हो रे बच्चा, कल्याण हो। ये बतलाओ, इधर आओ बाबा। तुम अभी बहुत लड़का या बोध है, बच्चा है, जंगल के बारे में तुम नहीं जानते हो, लेकिन अच्छा? बिना पूछले मातले बिना समझले बुझले तुम कहाँ चले जाते हो कदम खाने के लिए? हाँ बाबा। और कदम पर से गिरोगे तुम तो तुम्हें क्या होगा? अब से नहीं जाएंगे बाबा। हमसे पूछा था? नहीं। क्यों नहीं पूछा? अरे तू हमसे क्यों नहीं पूछा? बाबा गलत हुआ है, उसे माफ कर दीजिए ना। रामदास, अरे रामदास देख रहा है अब तू हमको से टेढ़ जाता है। बदमाश बेकूफ कहीं का। बाबा अमरजीत, मैं कुछ कहने के लिए चाहता हूँ बाबा। क्या तुम कहने के लिए चाहते हो? सुन लीजिए। सुनाओ। आप देखो तुम्हारी जैसा
एक मित्र तुम्हारा यह है। इनको क्या नाम है? रामदास। रामदास रामदास का रामदास ठीक है ना? सुन लीजिए बाबा। बाबा सुनला आज दिल के हमर बात आज कवन जरूरी आज बाबा पड़ गेल तोर चलवा से समय किस कारण आज कुटिया में बुलाए हैं? हाँ, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि इस कुटिया में आज बहुत जोरों से हमें प्यास लग चुका है। अच्छा समझा? तो दो गो हमारे चेला है समुद्र से जाकर हमें पानी लाके हमें कान पिलाएगा। रामदास इधर आओ। अरे हमें इस कुटिया में बहुत जोरों से प्यास लग गया जी। तुम समुद्र से पानी लाने के लिए जाओगे? हाँ अपना जी। वो तू नहीं जाएगा? डूब के मार जीविता कौन दे दे तू हमरा। ओ तब तुमको हम इतना बड़ा काहे किस लिए किया? चेला काहे के लिए बनाया कि समुद्र में से पानी लाई? हाँ हाँ अपना जी। वो तू नहीं जाएगा तो ठीक है, तू नहीं जाएगा तो हमको साथी एगो भी रहना भी बहुत जरूरी है। अमरजीत बाबा तुम समुद्र से पानी लाकर हमें पिला सकते हो? बाबा हमें बचपन उम्र से आज पोस पाल कर इतना बड़ा किए हैं तो क्या आपको एक लोटा जल नहीं पिला सकता हूँ? पिलाएगा। आपको आज्ञा चाहिए बाबा। अलख निरंजन नारायण नारायण। रामदास जी भूत भविष्य वर्तमान सब धरती पर पता लग जाता है। तू हमको चेला कैसा है नहीं है सब हमको पता हो गया। कैसे? देखो अमरजीत लाने के लिए ये तैयारी हो गया पनिया। हाँ तो ओकरा पिलेलू है दूध है। हमारा कुछ पिलेलू है? हमारा कुछ पिलेलू है? एगो हमरा वीडियो पिलेलू है। बकवास काहे का बोलते लज्जा नहीं रामदास? बोलते मन में शर्म नहीं आता इसको? बाबा से ऐसा वातावरण नहीं किया जाता है। अरे पागल है। बाबा को चरण में हम लोग रहेंगे ना तो बहुत दूर चलकर आगे की विकास करेंगे। जाओ। अरे तू नहीं जाओगे पन लाने के? मीट मछली खिलाए। अरे पागल। अरे चंडाल कहीं क्या बोला रे? क्या बोला बदमाश कहीं का छोद्र आदमी? ये सब कभी जीवन में नाम नहीं लेना है सब चीज के। तब क्या तू जाओ
पानी लाने के लिए तुम नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम सिर्फ हमको कमंडल लेके आओ। जाओ कमंडल लबजियो। हाँ, यहाँ का के कुटिया में कमंडल है, ढेर दूर तो है को। अरे जाओ ना बहुदा। बाबा इस मन बातों को छोड़िए, मैं कुटिया में से कमंडल लेते हुए समय अपने समुद्र की ओर चल जाऊंगा, जाकर एक लोटा जल पानी लेकर आऊंगा। जाओ लेके आओ जाओ। के बाबा मैं इतना हूँ। कल्याण बच्चा, कल्याण हो जाओ। जान डाली हमको कोची सेवा करेगा ही, कोची सेवा करेगा ही बेहुदा हम कोई पागल कहीं का करने से न करने हम कोई एक वो करा में पागल मिल गया। आई कदम, अरे हाय रे कदम के चटनी, असवा देले बहु चखनी। झाड़ दे बहु छुड़िया से छील दे बहु, लठिया से झाड़ दे बहु छुड़िया से छील दे बहु। मैं सतगुरु का तब तक ध्यान लगाता हूँ, इसलिए कि हमें जल अमरजीत लाने के लिए गया है। तपस्या करने के लिए चाहता हूं, जब ये लोग आके कोई ना कोई हमारे तपस्या के भंग कर देता है, कौन हो तुम? बाबा चिन्हिए बाबा, मैं हमारे पास तो एक से एक दुख, एक से एक दुखी आती है और आता है, तो हम सब क्या पहचान ले रहेंगे? सुनिए बाबा, वाले बाबा जी तन जबान अते
जी बाबा अन्ना ही जामा खू लाला जी कहला आशीर्वाद बाद लाला सुनाती हो ते क्या दुख सुनाती हो सुना बोलो बाबा इसी कुटिया में मैं आई थी एक अमर फल दिए थे किस लिए दिए थे बाबा मुझे हमारी बाज के आचरा नहीं खुला तो किस लिए दिए थे बताइए बेटी मैं जो अमर फल दिया था क्या तुम्हारे कोख में यानी गोद में पुत्र पैदा नहीं हुआ छी छी राम राम छी ते साधु महात्मा के साथ में तुमने झूठ बन के आई हो झूठ बोलना सबसे बड़ा भारी पाप होता है मैं हमारी स्वामीनाथ राज महाप्या में ऐटा कपड़ा पैदा लिया मैं क्या करूं क्या राज महाप्या में तुम्हारी कोख में ईटा खपड़ा पैदा लिया है ओ, मैं समझ गया इधर आओ बेटी तुम्हें कोख में पुत्र पैदा लिया है समझी लेकिन करम में लिखल था तुम्हें करैला समझी करम में लिखल था करैला लेकिन फट गया है परोर सेहू परोर तू खैबो नहीं किया लेके भाग गया और हम पर हमसे गलती बोलने के लिए आई हो अरे अब हमारे बाबा ही गोदरेज है बोला के क्या हाले हाले देती रहेंगे हम हमारे पास में अब नहीं है जाओ चलो अब जाओ भागो जाओ बाबा मैं कभी नहीं जा सकती हूँ बाबा इसी कुटिया ने मर जाना बेस्ट है बाकी चिता रहना बेस्ट नहीं है बाबा क्या तुम्हें गोद में पुत्र नहीं मिलेगी तो तुम मर जाओगी हेलो हेलो ये तो और बड़ी भारी कलंक हो जाएगा अच्छा ठीक है एक काम करो ए बाबा जी क्या रे क्या है धरा ये कौन है क्या ये एक दुखी है दुखी है हाँ तू सुखी से बोले लू अरे बदमाश बेहुदा हाँ मैदान क्या बोल रहा है हाँ मगेली मैदान अच्छा तू ना केरा बोला लेला मैं बुलाया नहीं रामदास हमारे पास में बहुत प्रकार के दुखी आता है समझा यही तो साधु का क्या काम है साधना और जितना दुखी आया उसे दुख को दूर करना
जे वही से तू दाढ़िया बनाइले रहू। अरे बेहुदा बदमाश बहुत मार मारेंगे। समझ गलियो। बैठो बैठो बैठो। जे हम तोरा अरे बेटी सुनो सामना ही रहबो हम कौची कौची बतिया हो जे ते जाओ चले जाओ इस कुटिया में जाओ और जाके तुम आराम करोगे जाओ। अच्छा बाबा तू हमरा से बतिया हो तो ऐसे ऐसे ना करो आओ करा ऐसे ऐसे कह कर लो।